नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज और हम आपको बतला दें कि पूर्णिया से फिर एक बार बड़ी खबर आ रही है पप्पू यादव को लेकर के। और खबर कुछ और नहीं है, वही लगातार चल रहा सिलसिला जो फिर से एक बार शुरू हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिर एक बार पप्पू यादव को धमकी आई है और इस बार धमकी का पैटर्न बदला है और धमकी देने वाले ने इस बार अर्जुन भवन के पते पर एक लेटर भेजा है और लेटर में लिखा हुआ है कि पप्पू यादव तुम पूर्णिया के सांसद हो, सिर्फ सांसद बनकर रहो, ज़्यादा उड़ोगे तो मैं तुम्हारा घर 15 दिनों के अंदर उड़ा दूंगा और ज़रा सा बच के रहना। जी हाँ, फिर मामला गर्म है पूर्णिया का, क्योंकि पप्पू यादव को फिर से एक धमकी भरी जो है लेटर मिली है और तब से जो है पूरे पूर्णिया प्रशासन में, यहाँ के राजनीतिक हालातों में भी यहाँ पर जो है कौतूहल मचा हुआ है और फिर एक बार शोर मच चुका है कि इससे पहले जो धमकी पप्पू यादव को आई थी, जिस कॉल के द्वारा जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का जो छानबीन हुआ है और उसमें कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्या वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ भी है या नहीं है। हालांकि ये तो छानबीन की विषय है, लेकिन ताज़ा मामला पूर्णिया में फिर आए इस मामले को जो है उठाया जा रहा है। जो ताज़ा मामला है, ये कुंदन कुमार नामक व्यक्ति ने एक पत्र लिख करके भेजा है जो अर्जुन भवन के पते पर आया है। पूर्णिया का अर्जुन भवन, हम बतलाते चले कि पूर्णिया सांसद का जो है वो ऑफिशियल कार्यालय है, जहाँ पर उनकी सारी जो है गतिविधियाँ और राजनीतिक, और एक सांसद होने के नाते वो सारा काम अर्जुन भवन से करते हैं। और उसी के पते पर एक जो है लेटर आया है और लेटर अभी वो हमारे मोबाइल में है। और जहाँ तक आप लोग बतला दें कि लेटर भेजने वाले के नाम पर कुंदन कुमार लिखा हुआ है और जो पता है वो छातापुर सुपौल का बतलाया जा रहा है, लेकिन पुलिसिया छानबीन में ये पता चला है कि कुंदन कुमार नामक व्यक्ति ने इस पत्र को नहीं भेजा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस तरह के पत्र और फोन कॉल्स जो लगातार पप्पू यादव को धमकाने के लिए आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई ऐसे लोग हैं जो मजे ले रहे हैं पप्पू यादव से, बार बार कोई कॉल करके धमकी दे रहा है, कोई लेटर लिख के धमकी दे रहा है? निश्चित तौर पर ये जांच और छानबीन का विषय है, लेकिन फिलहाल तो सवाल यह उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से अगर पप्पू यादव को धमकी नहीं मिल रही है तो पप्पू यादव को धमकी देने वाले इस तरह के शख्स आखिर कौन है, यह भी छानबीन का विषय है। पूर्णिया के SP ने भी इस पर संज्ञान लिया है, केस भी दर्ज कर लिया है और फिर जो है इस पर जो है छानबीन करके वो कार्रवाई करनी शुरू कर चुके हैं। इससे पूर्व में जो भी गिरफ्तारी हुई थी उसके साथ भी पूछताछ में कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि पप्पू यादव ने वाई सुरक्षा को बढ़ाकर जेड सुरक्षा की मांग तो की थी, लेकिन बाद में फिर पप्पू यादव मुकर गए और उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई अभी भी साबरमती गुजरात के जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम पर पूरे देश में अलग अलग फोन कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को जो है धमकियां मिल रही है, लेकिन खास करके पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की बात करें तो इनको जो है लगातार धमकियां मिल रही है। सूत्र कहां से आ रहा है अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। पूर्णिया के SP कार्तिकेय शर्मा ने इस पर प्रेस वार्ता की, केस भी दर्ज हो चुका है पप्पू यादव के तरफ से, केस भी दर्ज कराया गया इस धमकी आने के बाद और लेटर की छानबीन हो रही है। हालांकि जिस कुंदन कुमार की बात की जा रही है, जो सुपौल के छातापुर के रहने वाले हैं और एक शिक्षक बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा यह इनकार किया गया है कि इस तरह का पत्र मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह का जो है खुराफात, इस तरह की हरकतें आखिर कौन कर रहा है पप्पू यादव को बार बार धमकी देने के लिए? क्या इसे हल्के में लेना चाहिए या आने वाले समय में जरूर एक गंभीर विषय बन सकता है पप्पू यादव के लिए? फिलहाल सुनिए पूर्णिया के SP कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कहा। आया है कि उनको एक धमकी भरा कुरियर से प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग इसका नोटिस किए हैं। इसमें चूंकि जैसे आप लोगों को पूर्व से ज्ञात है, इस मामले में एक ऑलरेडी कांड दर्ज किया जा चुका था जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिसमें पता चला कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था और इस तरह के कई मामलों में उनको धमकी मिली है। इन सब पे हम लोग संज्ञान करके जांच कर रहे हैं, इसमें FIR दर्ज किया जा चुका है इसमें, और विभिन्न टीम इस पे काम कर रही है। इसमें जो माननीय MP साहब हैं उनको भी उचित सुरक्षा दी गई है इसमें और उस पर सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हर एक जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। कल का जो मामला आया है उसमें यह है कि उनको कुरियर से एक मिला है जिसमें जिस व्यक्ति के नाम से दिया गया उस व्यक्ति की पहचान की गई, लेकिन उनका ऐसा कोई संभावना नहीं पाया गया है। इसमें ये उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य के द्वारा भेजा गया है, जो हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इसमें आगे कोई कार्रवाई होगी तो आपको बताएंगे। सर, लगातार फेक इस तरह का है, क्या लग रहा है? देखिए, चूंकि ये सुरक्षा संबंधित है, हम लोग हर एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं इसमें और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जब तक कि पूरे रूप से उसका अनुसंधान नहीं कम्प्लीट हो जाए
हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको थ्रेट है, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें रिमांड लिया गया था, हम लोग जानना चाह रहे थे कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह से भी के अनुसंधान में हम लोगों को उस गिरोह से कोई संबंध नहीं पाया गया है उसमें। तो अगर आगे भी जो व्यक्ति अगर आएंगे उसमें, उस पर अगर कुछ आता है तो बताएंगे। तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि हम लोग हर एक जो थ्रेट आ रहा है उसको सीरियस लेके ही चल रहे हैं। वो महेश पांडे कुछ बताया नहीं, महेश पांडे का जो बताया गया है उसमें तो यही आया कि वो एक, अगर कहा जाए तो एक फ्रॉड कॉल टाइप से कहा जाए उसमें, क्योंकि कई तरह के ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ स्टेटमेंट वगैरह आया था उसके द्वारा किया गया था, लेकिन चूंकि उस कारण ऐसा ना हो कि एक दिग्भ्रमित हो जाए लोग, तो हम लोग भी मान के कर रहे हैं उसमें, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा कोई गिरोह या तरह का कोई संज्ञान में नहीं है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको थ्रेट देने के पर्पज था, उनके समय बताया कि वो कई लोगों के कॉन्टैक्ट में रहा था और एमपी के पीए वगैरह में भी रहा है वो, तो उनका था कि इसमें कुछ अपना उनका कुछ निजी हित हो जाता उसमें।